हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आने वाली छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम्स के लिए लगातार चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, कंटेंट आ रहे हैं। उसी के सिलसिले में लगातार माइनर लॉ की वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है और हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम्स हैं PCSJ के, उन सभी में मेजर लॉ के साथ साथ माइनर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल मदद करता है। मेजर लॉ आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन माइनर लॉ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने टारगेट फॉर आईक्यू को भी सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो आ रही है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आपके सामने आ जाए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा था। अगर आप छोड़ देंगे, पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे, तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आज जो क्लास है, छत्तीसगढ़ माइनर लॉ की सेकंड क्लास है। 40 क्वेश्चन हैं इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, जो जिनकी एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य शब्द की यह परिभाषा कहां दी गई है? ठीक, साक्ष्य शब्द की यह परिभाषा कहां दी गई है? ऑप्शन ए प्रोफेसर सामन द्वारा, बी स्टीफन द्वारा, सी जूलियस स्टोन द्वारा, या डी टेलर द्वारा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए, प्रोफेसर सामन के द्वारा साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई है कि कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक महिला है, रेल का टिकट लेना चाहती थी। स्टेशन पर खिड़की पर भीड़ थी। उसने एक्स से जो खिड़की के पास था, यानी कि जैसे आप काउंटर पर गए हैं, भीड़ ज़्यादा है, आगे कोई खड़ा है, उससे आपने कहा कि भैया मेरा भी टिकट ले लो, उसके लिए आपने उसको रुपये दे दिए। अब उसने रुपये ले लिए और टिकट लेने के बजाय रुपया लेके भाग गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने उसको पैसे दिए कि भैया मेरा भी टिकट ले लो, उसने टिकट नहीं लिया, पैसा लेके भाग गया। तो बताइए एक्स ने कौन सा अपराध किया, यानी कि जिस आदमी को आपने पैसे दिए उसने कौन सा अपराध किया? आपका ऑप्शन है ए कोई अपराध नहीं किया, बी आपराधिक न्यास भंग का अपराध, सी आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध, या फिर डी चोरी का अपराध। दोस्तों इसका सही जवाब है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का मन भी उसी प्रकार तथ्य है जैसे मनुष्य की पाचन क्रिया की दशा, यह कथन किसका है? ए लॉर्ड कॉलरिज का, बी लॉर्ड बोवेन का, सी लॉर्ड समनर का, या फिर डी जस्टिस कृष्णा अय्यर जी का। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? ये कथन है आपका लॉर्ड बोवेन का, कि मनुष्य का मन भी उसी प्रकार तथ्य है जैसे मनुष्य की पाचन क्रिया की दशा। चौथा सवाल है, निम्न में से किस प्रसिद्ध विधि शास्त्री ने तथ्यों को शारीरिक तथा मानसिक दो वर्गों में विभाजित किया है? शारीरिक में भी किया है और मानसिक में भी किया है, ठीक है, तथ्यों को। ए ऑस्टिन ने, बी सामन ने, सी जर्मी बेथम ने, या डी हैलैंड ने। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जर्मी बेथम ने। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कुछ अपवादों के साथ आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंग्लिश साक्ष्य विधि को समेकित करता है या संप्रेक्षण किया गया है किसके द्वारा? ए न्यायमूर्ति सुब्बा राव के द्वारा, बी ग्लेड हिल के द्वारा, सी जीएजी निपत द्वारा, या फिर डी प्रोफेसर विगमोर के द्वारा। सही जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति सुब्बा राव के द्वारा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि साक्ष्य विधि का एक उद्देश्य न्यायालयों द्वारा किए गए अन्वेषणों को साधारण सुविधा की सीमा के अंदर निबंधित करना है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए न्यायाधीश वेस्ट द्वारा, बी उड्रफ तथा अमीर अली द्वारा, सी जस्टिस चमचूर द्वारा, या फिर डी जस्टिस पी आर कृष्णा अय्यर जी के द्वारा। तो सही जवाब है दोस्तों यह कथन कहा गया है ए न्यायाधीश वेस्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ माइनर लॉ के। हिमाचल प्रदेश में भी आ सकते हैं और किसी भी एग्जाम में सब क्वेश्चन आ सकते हैं। सभी भी जो भी PCSJ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सफलता पानी है तो आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी छोटा सा भी ज्ञान नहीं छोड़ना है।
अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा घातक होता है। इसलिए आपको सबको समेट लेना है, जहां भी आपको ज्ञान मिले आपके सिलेबस के अनुसार उसको आपको समेट लेना है। और हम लोगों की और हमारे चैनल की यही कोशिश ही है कि आपको आपकी सफलता तक पहुंचाया जाए। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि इस आरोप में बल है कि साक्ष्य अधिनियम सबूत पर जितना बल देता है उतना सत्य पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस होम्स, बी लॉर्ड मैकाले, सी जस्टिस पीएम भगवती, या फिर डी जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर। तो सही जवाब इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार है ए साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना, बी साक्ष्य की विधि का समेकन परिभाषा और संशोधन करना, सी साक्ष्य की विधि का प्रकटन परिभाषा और संशोधन करना, या फिर डी साक्ष्य की विधि का प्रकटन समेकन परिभाषा और संशोधन करना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य की विधि का समेकन परिभाषा और संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्य अधिनियम किसकी प्रकार की विधि है, किस प्रकार की विधि है साक्ष्य अधिनियम? ए सार्वान विधि, बी केवल प्राकृतिक विधि, सी केवल प्रक्रियात्मक विधि, या फिर डी ए और बी, ए और सी दोनों, यानी कि आ और सा, यानी कि ए और सी दोनों प्रकार की विधि। तो साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? तो सही जवाब है दोस्तों ये केवल प्रक्रियात्मक विधि है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लॉर्ड मैकाले, बी सर हेनरी मैन, सी सर जेम्स स्टीफन, या फिर डी लॉर्ड इम्पे। किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब है इसका सी, सर जेम्स स्टीफन के द्वारा यह तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से इन चारों ऑप्शन में कौन सा टॉपिक नहीं है? ए साक्ष्य को वाद विषय तक सीमित होना चाहिए, अनुसत साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, सी अनुसत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर डी सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में देना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि अनुसृत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए। ये जो है साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, का यानी कि समझ लीजिए ए दान पत्र द्वारा, खा यानी कि बी, ए दान पत्र द्वारा बी को 5,000 रुपए का बीमा हाथी तथा झोपड़ीदार में देता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए खा को यदि दान स्वीकार है तो उसे तीनों ही वस्तुएं लेना चाहिए, यानी कि बीमा भी ले ले, हाथी भी ले ले, झोपड़ी भी ले ले। बी खा हाथी छोड़कर दोनों वस्तुएं ले सकता, खा झोपड़ी छोड़कर दोनों वस्तु ले सकता, या खा केवल रुपए दान में ले सकता। इस संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जाहिर सी बात है भैया, अगर हमको कोई कुछ दे रहा है, बीमा दे रहा है, झोपड़ी दे रहा है, सब दे रहा, हम तो सब ले लेंगे ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खा को अगर दान स्वीकार है तो उसको तीनों वस्तुएं ले लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ए जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्व जीवन कालीन हित का सृजन, बी अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने के पहले अज्ञात व्यक्ति का जन्म होना, अजात व्यक्ति का जन्म होना, अजात व्यक्ति को अत्यंतिक हित दिया जाना, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सारे। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा हित अंतरणीय नहीं है? ए निहित हित, बी समाश्रित हित, सी उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित, या फिर डी पट्टाधिकारी का हित। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित अंतरणीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए दान चल अचल संपत्ति का भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी दान ऐसी संपत्ति का हो सकता है जो विद्यमान हो, ऑप्शन नंबर सी विधिवत दान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दान ग्राहिता दान को स्वीकार करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी दान में संपत्ति अंतरण बिना प्रतिफल के होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है कि विधिवत दान के लिए आवश्यक नहीं है कि दान ग्राहिता दान को स्वीकार करे। अब भैया जब स्वीकार करेगा तभी तो दान माना जाएगा, कोई कुछ आपको दे रहा है दान स्वरूप
तो आप जब लेंगे ही नहीं तो क्या कारण है, तो यही चीज गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला, 100 रुपए के कम मूल्य की अचल संपत्ति का दान ग्राहिता को प्रदान हो सकता है। बी, 100 रुपए से अधिक की अचल संपत्ति का दान दानदाता द्वारा निष्वासित तथा दो साथियों द्वारा अभी प्रमाणित पंजीकृत विक्रय लेख द्वारा हो सकता है। सी, चल संपत्ति का दान संपत्ति का आधिपत्य दान ग्रहिता को देने से हो सकता है। या फिर डी, अचल संपत्ति का दान केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। इसका सही जवाब क्या है, गलत क्या है? गलत कथन है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपए से कम मूल्य की अचल संपत्ति का दान ग्राहिता को प्रदान करने से हो सकता है, ये चीज ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए, अचल संपत्ति का 1 वर्ष का पट्टा पंजीकृत लेख द्वारा हो सकता है। बी, 1 वर्ष से अधिक का अचल संपत्ति का पट्टा पंजीकृत लेख द्वारा हो सकता है। सी, अचल संपत्ति का पट्टा जिसका वार्षिक भाड़ा आरक्षित हो रिजर्व हो वो रजिस्टर लेख द्वारा हो सकता है। या फिर डी, पट्टे के रजिस्टर लेख पर पट्टा दाता तथा पट्टा ग्रहिता दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, अगर किसी को कुछ आप दे रहे हैं, बेच रहे हैं, रजिस्ट्री समझ लीजिए जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो देने वाले का और लेने वाले का दोनों का ही सिग्नेचर उस पर होता है, ठीक है? तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है, ये गलत है, दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा? ए, 100 रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति का विक्रय। बी, 11 मास की अवधि का पट्टा। सी, विनिमय। या फिर डी, अनुयोज्य दावा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, 11 मास की अवधि का पट्टा। क्वेश्चन नंबर 19, अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? ए, जमीन का पट्टा। बी, उगने वाली फसलें। सी, रास्ते का अधिकार। या फिर डी, अचल संपत्ति की आमदनी के हित। तो देखिए, अचल संपत्ति इसमें से कौन सी नहीं है, आपका ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, उगने जो फसल उग रही है कल कट जाएंगी, अचल कहाँ होगी, इधर कटी उधर बिकी, तो ये तो अचल नहीं है, तो चल संपत्ति है, उनको बेच के पैसा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक को प्रभावशील नहीं होते? ए, अचल संपत्ति का दान। बी, चल संपत्ति का विक्रय। सी, अचल संपत्ति की गिरवी। या फिर डी, अचल संपत्ति के पट्टे। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, चल संपत्ति का विक्रय। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यदि प्रतिभूति रकम 100 रुपए से कम हो तो साधारण गिरवी। ए, गिरवी संपत्ति की डिलीवरी से हो सकती है। बी, अप्रमाणिक लेख द्वारा हो सकती है। सी, अपंजीकृत लेख के द्वारा हो सकता है। या फिर डी, दो साथियों द्वारा प्रमाणीकृत एवं पंजीकृत लेख द्वारा ही हो सकता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, यही जो है कथन सही है कि गिरवी संपत्ति की डिलीवरी से हो सकती है। ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? ए, अचल संपत्ति का पट्टा उस संपत्ति का उपभोग करने के हक को अंतरित करता है। बी, विक्रय स्वामित्व को अंतरित करता है। सी, पट्टा दाता पर कानूनी बंधन है कि पट्टा ग्रहिता के कहने पर उसे संपत्ति का कब्जा मिले। या फिर डी, विक्रय केवल पंजीकृत दस्तावेज द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, इसमें सही कौन सा नहीं है? तो भैया, इसमें सही जो है आपका आंसर भाइयों दोस्तों डी है, विक्रय केवल पंजीकृत दस्तावेज थोड़ी हो सकता है, विक्रय तो नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक, अगर पंजीकृत होगा तो दोनों के सिग्नेचर जरूरी होंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया। लेकिन सिर्फ ये कहा जाए कि रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा ही बेचा जा सकता है, ये गलत है। कभी किसी के पेपर बनते हैं, कभी किसी के पेपर नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुयोज्य दावों के संबंध में धारा 130 संपत्ति अंतरण अधिनियम का अपवाद क्या? ए, जीवन बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं होगा। बी, समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं है। सी, वाहन बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं। या फिर डी, उपयुक्त बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाहन बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं है, धारा 130 के अंतर्गत। भावी संपत्ति का दान किसको किया जा सकता है? ऑप्शन, भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है, क्या यह सही है, ए, या गलत है? बी, संपत्ति भविष्य के दान देने पर वैध होगा। या फिर भावी संपत्ति के दान को स्वीकार करने से वैध होगा। तो देखिए दोस्तों, भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है, गलत है। भाई, कोई संपत्ति हमारी है, हमको मिलने वाली, उसका दान कोई कैसे कर सकता? हमारी भावी संपत्ति है ना, तो कैसे कर सकता, तो यह गलत है। 25, किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाले साक्षी हो सकता है। उस दस्तावेज का एक पक्षकार, उसका एक लेखक, ऐसे व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो, या डी में से कोई नहीं रहना दस्तावेज।
तो किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वही व्यक्ति होगा जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए किस दस्तावेज को अनुप्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है? ए इच्छा पत्र, बी स्थावर संपत्ति का दान, सी ऐसा बंध पत्र जिसके द्वारा सुनिश्चित की गई मूल रकम 100 रुपए से अधिक है, या फिर डी स्थावर संपत्ति का विक्रय पत्र। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसको अनुप्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा बॉन्ड जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि मूल रकम 100 रुपए से अधिक है, इसको अनुप्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 27, स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा, ए मौखिक सूचना द्वारा, बी लेखबद्ध सूचना द्वारा, सी अभिकर्ता के द्वारा या एजेंट के द्वारा, या फिर डी टेलीफोन के द्वारा। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा लेखबद्ध सूचना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है, ए गलत है, बी पूर्ण प्रतिबल प्रदान करने का ही हक प्राप्त होगा, सी सही है, या फिर डी कब्जा सौंपना आवश्यक नहीं हो जाता। सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सही है कि भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। हर आदमी को अपने जो भी उसके कब्जे में है, उसकी चीज है, उसकी सुरक्षा का हक प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, संपत्ति अंतरण अधिनियम कब लागू हुआ, ए 2 अक्टूबर 1882, बी 1 सितंबर 1882, सी 1 जुलाई 1882, या फिर डी 1 अप्रैल 1882। तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1882, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि खतरे का आभास ज्ञान जोखिम उठाने की सहमति नहीं है? दोस्तों एक जानकारी आपको दे देता हूं कि चैनल पे यूपी में जो एपीओ की वैकेंसी आ रही है, और भी जितने भी पीसीएसजे के एग्जाम हैं, बिहार पीसीएस के मेंस के हैं, और भी जो भी एग्जाम है, आप चैनल पे सब्सक्राइब करके वहां जो नंबर लिखे हैं उस पर आप बात करके, वहां पर लगातार बैच भी चल रहे हैं, ठीक है, वहां लगातार एक बैच चल रहे हैं प्लस कोर्स के, उन बैच में आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस है और आप उससे जुड़ करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको बता करके मुझे खुशी हो रही है कि टारगेट फॉर आईक्यू में इस बार एपीओ के एग्जाम में चौथी रैंक से लेकर के कई लोग इस चैनल के माध्यम से एपीओ में सेलेक्ट हुए, उनके इंटरव्यूज भी चैनल पे पड़े हुए हैं, उनसे आप देख करके प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेशनल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए सुभागवंती बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बी बोरहिल बनाम यंग, सी हेंस बनाम हार्वर्ड, या फिर डी स्मिथ बनाम बेकर। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, सुभागवंती बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। 31, संपत्ति ऐसे बचावकर्ता के दावे के विरुद्ध कोई प्रतिवाद नहीं बन सकती है जिसको प्रतिवादी की उपेक्षा से उत्पन्न जोखिम से किसी का बचाव करते हुए क्षति पहुंची, इस सिद्धांत पर निर्देशक वाद है कौन सा था? ए कटलर बनाम यूनाइटेड डेरीज लंदन, बी आईसीआई बनाम सेटवेल, सी हाल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, या फिर डी हेंस बनाम हार्वर्ड। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, हेंस बनाम हार्वर्ड वाला ये वाद है। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी अपने निदेशकों द्वारा अपनी नौकरी के दौरान किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन क्या है? पूर्णतः असत्य है, टोटली रॉन्ग, बी अंशतः असत्य है, पार्शली रॉन्ग, सी अंशतः सत्य है मतलब पार्शली ट्रू, या फिर डी 100% सत्य है, पूर्णतया सत्य है। तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्णतया सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियां कार्यरत होती हैं जिससे वादी को भारी क्षति होती है, तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है, ए एक अपरिचित द्वारा किए गए कृत्य का, बी देवकृत का, सी योगदायी उपेक्षा का, या फिर डी अपरिहार्य दुर्घटना का। आपने ओ माई गॉड देखी होगी मूवी, इसमें परेश रावल थे, अक्षय कुमार थे, उसमें यही चीज थी, जो प्रतिवादी था अपने बचाव में उसने भगवान को ही पार्टी बना दी थी और उसी के खिलाफ केस कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर भी वही सवाल है, सेम चीज है, सेम सवाल है, यहां पर ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी बता देगा कि यह दैव कृत है, देवता के द्वारा किया गया कृत है, भूकंप आया, दुकान गिर गई तो देवता को कोर्ट में खड़ा कर दो, ये वो बता सकता है, ये तर्क ले सकता है, ऐसा है नहीं, और ये वही मूवी में दिखाया भी गया था, ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वादों में से कौन सा अपरिहार्य दुर्घटना के बचाव संबंधित है? ए रामलिंगा नडार बनाम नारायण रेड्डी, बी पद्मावती बनाम
गुनाइका, सी स्टेनली बनाम पावल, या फिर डी होम्स बनाम मदर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामलिंगा नडार बनाम नारायण रेड्डी। आप क्वेश्चन और 35, बचाव कार्यों के वादों में संपत्ति का प्रतिवाद लागू न होने के सिद्धांत पर निर्देशक वाद। ए डैन बनाम हैमिल्टन, बी बोरहिल बनाम यंग, सी हैंस बनाम हार्वुड, या फिर डी स्मिथ बनाम बेकर। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका हैंस बनाम हार्वुड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अप्रकृत्य में आवश्यकता के प्रतिवाद से संबंधित है, अप्रकृत्य यानी कि टॉट में। ए स्मिथ बनाम बेकर, बी स्टेनली स्टेनली बनाम पावेल, सी किर्क बनाम ग्रिगरी, या फिर डी बर्ड बनाम होलबुक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, किर्क बनाम ग्रेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो आपने देखा हो तो प्लीज को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम जो कंटेंट ला रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, एक फीडबैक होता है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो IMDb की रेटिंग होती है, उससे पता चलता है कि मूवी कैसी थी कैसी नहीं है, तो बनाने वालों को उसका परिणाम दिखता है कि हाँ अच्छा बनाए हमने खराब किया। वही चीज़ हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमें फीडबैक दीजिए, चाहे अच्छा दीजिए चाहे बुरा दीजिए, लेकिन फीडबैक प्लीज जरूर दीजिए, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 एक अधिनियम है। ए छत्तीसगढ़ में उत्पाद शुल्क कानून में संशोधन करें, बी छत्तीसगढ़ में उत्पाद शुल्क कानून को सुधार करना, सी दोनों ए और बी, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था, 10 मार्च 1915, बी 10 अप्रैल 1915, सी 10 मई 1915, या फिर डी 10 जून 1915 को। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल 1915 को। क्वेश्चन नंबर 39 है, छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम यानी कि एक्साइज एक्ट धारा 2.18 के तहत ताड़ी का क्या अर्थ है। ए किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित रस, ठीक है, किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित रस, बी सी भारतीय भांग के पौधे के शीर्ष पर फल लगना, या फिर डी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ताड़ के पेड़ से निकाला गया, वो चाहे किण्वित हो चाहे अकिण्वित हो, उसको लोग पी रहे हैं और उसको जो है अल्कोहल के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में आपसे हम जल्द ही मिलेंगे इसी की सीरीज लेकर के। लीगल करंट अफेयर्स की भी क्लास लगातार चल रही है, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ, जिन्होंने उसको ना देखा हो देख ले, कम से कम 18 टॉपिक हैं विद डिटेल में लीगल करंट अफेयर्स के, जो कि मौजूदा समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। मई लीगल करंट अफेयर्स के नाम से वीडियो पड़ी हुई है, भाई आशीष सर लिखा हुआ है, उसको आप लोग जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिन लोगों ने ना देखी। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं, इसके बाद इजाजत लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम एक्साइज एक्ट अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। ए समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878, बी भारतीय टैरिफ अधिनियम 1894, सी छावनी अधिनियम 1910, या फिर डी उपरोक्त सभी। सीधी सी बात है, जब छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट है तो इन सबको क्यों प्रभावित करेगा, इसका मतलब किसी को प्रभावित नहीं करेगा, और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वही चीज मैंने पहले कही फिर से वही आप कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।